नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। पॉलिटिकल पावर सेंटर में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर के न्यूज मेकर है नवाब मलिक। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है नवाब की चाहत, जिसने बढ़ा दी है महायुति की आफत। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नवाब मलिक अजित पवार की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनकी राह में रोड़े अटका दिए हैं। हालांकि नवाब हैं कि मान ही नहीं रहे। नवाब मलिक पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर प्रचार के इस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि नवाब मलिक न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि एनडीए यानी महायुति के नेताओं पर टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं। अब तो उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि हर हाल में मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। हम यहाँ की जनता की मांग पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नवाब मलिक अभी भी विधायक हैं, लेकिन उनकी टिकट की राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं बीजेपी के नेता। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने तो पिछले दिनों ही खुलेआम उनको टिकट देने का विरोध किया था। नवाब मलिक को हमारा विरोध तभी भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। दाऊद या दाऊद के परिवार से व्यवहार करने वाले का विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। विरोध के बाद ही जिस अनुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक अभी विधायक हैं, वहां से उनकी बेटी सना मलिक को अजीत पवार की एनसीपी से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन नवाब मलिक खुद भी मानखुर्द सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। सवाल ये है कि अब नवाब मलिक झुकेंगे या गठबंधन झुकेगा, क्योंकि लड़ाई अब जबान की नहीं शान की हो चुकी है। लेकिन सवाल तो यह है कि बीजेपी नवाब मलिक के टिकट का विरोध क्यों कर रही है? कुछ कारण हम आपको बताते हैं। नवाब मलिक 17 महीने जेल में रहकर आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और डी कंपनी से कनेक्शन का आरोप उन पर है। नवाब मलिक जब मंत्री थे तब बीजेपी ने उनसे इस्तीफा मांगा था। टेरर फंडिंग से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप बीजेपी ने लगाए थे। बीजेपी की शिकायत पर नवाब की संपत्तियां जब्त की गईं। दाऊद की बहन से लेन देन का आरोप ईडी ने लगाया। डी कंपनी के जरिए करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप भी लगा। नवाब की बेटी सना मलिक अनुशक्ति नगर से अजीत पवार की पार्टी से उम्मीदवार हैं। इस सीट पर शरद पवार ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कभी शरद पवार की आंख नाक कान कहे जाने वाले नवाब मलिक की बेटी सना के खिलाफ उनकी पार्टी ने ही बड़ा दाव चला है। पार्टी ने फहाद अहमद को अनुशक्ति नगर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। फहाद अहमद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति हैं। फहाद अहमद समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन टिकट मिला शरद पवार की एनसीपी से। ऐसा क्या हुआ जिससे फहाद को पार्टी बदलनी पड़ी, खुद उनसे ही सुनिए। I am thankful to Sharad Pawar sahab that they have asked Akhilesh Yadav ji that he has asked that we want to announce Fahad's name on the NCP symbol. भले ही अखिलेश और अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर ठनी हुई हो, लेकिन फहाद टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए। ऐसा कैसे हो गया, उसको समझने के लिए आपको एक महीने पीछे जाना होगा। इस तस्वीर को देखिए और समझिए। 28 सितंबर को फहाद एनसीपी शरद गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के साथ मंच पर खड़े थे। बारिश के बीच छाता लिए फहाद की तस्वीर काफी वायरल हुई थी। 28 सितंबर की तस्वीर को स्वरा भास्कर 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर डालती हैं और लिखती हैं, और एक हफ्ते बाद फहाद को अनुशक्ति नगर से शरद पवार की पार्टी उम्मीदवार बना देती है। अब देखना है अनुशक्ति नगर की जनता सना का साथ देती है या फहाद बाजी मारते हैं। अनुशक्ति नगर सीट पर नवाब मलिक का सियासी सिक्का चलता है। नवाब मलिक के राजनीतिक कद के बारे में अब हम आपको बताते हैं। नवाब मलिक मुंबई में एनसीपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, एनसीपी के प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी में भी पहले रह चुके हैं, 3 बार पहले नेहरू नगर से विधायक भी रहे। अनुशक्ति नगर सीट से 2009-2019 में जीते, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री वो रह चुके हैं। अनुशक्ति नगर से एनसीपी ने बेटी सना को टिकट दिया है, जबकि नवाब मलिक उस मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से लड़ाना उन्हें चाहते हैं, जहां से एसपी के अबू आजमी विधायक हैं। चुनाव में टिकट पाने की चाहत हर नेता की होती है, लेकिन कांग्रेस में टिकट वापस लौटने की गुहार लगाई जा रही है कि टिकट लौटा लें। देखिए रिपोर्ट। यहां से लड़ना नहीं चाहता। ये कांग्रेस नेता सचिन सावंत हैं। कांग्रेस ने अंधेरी वेस्ट में इन पर दांव लगाया, लेकिन इस सीट से चुनाव लड़ने की इनकी चाहत ही नहीं।
मैंने मांगा था जहाँ जहाँ मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था, लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था, मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता। तो सुना आपने, सचिन सामंत की निगाहें बांद्रा ईस्ट सीट पर टिकी है, लेकिन सीट बंटवारे में सीट उद्धव को मिल गई और सचिन सामंत का बांद्रा ईस्ट से लड़ने का सपना टूट गया। सचिन सामंत ने अपने मन की बात कैमरे के सामने कही है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी समय पर निर्णय लेगी। उन्होंने अपनी बात रखी है पार्टी के सामने, पार्टी उस बात को सुनकर जो भी निर्णय लेगी पार्टी लेगी। पॉलिटिकल कॉरिडोर में लगातार चर्चा है कि राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर नाखुश हैं। राहुल ने बंद कमरे में जो बातें कही वो सचिन जैसे नेताओं के तौर पर अब बाहर सामने आने लगी हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में, महायुति की बैठक से पहले बैठक हुई है। सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बैठक हुई है। करीब घंटे भर तक चली दोनों की बैठक। जो सीटें फंसी हुई हैं दोनों के बीच, इसी पर चर्चा हुई है। कई सीटें ऐसी जिन पर अभी भी पेंच है और इसी पर बातचीत हुई है इन दोनों नेताओं की। हमारे सहयोगी कृष्णा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कृष्णा, इस बैठक से कुछ अपडेट है क्या? देखिए अखिलेश, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच करीब एक घंटे तक लंबी बातचीत हुई है और ये बातचीत महायुति में जिन सीटों को लेकर एक अभी फंसा हुआ है उन सीटों पर किस तरीके से जीत का रास्ता निकाला जाए और सीट शेयरिंग की जो प्रक्रिया बची हुई है उसको किस तरीके से पूरी की जाए, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 दिन का समय बचा है जब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जानी है। ऐसे में तमाम जो नेता हैं, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, उनकी कोशिश है कि जो पेच फंसा हुआ है सीटों को लेकर उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए और यही कारण है कि करीब एक घंटे तक लंबी मीटिंग चली है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले अब से कुछ देर पहले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने आए थे। वो अपनी पार्टी के लिए तो महायुति में कम से कम 2 सीटें चाह रहे हैं, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस से रामदास आठवले मिले तो देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें एक मैसेज कन्वे किया और ये कहा कि आप अपनी जो बात है वो मुख्यमंत्री के सामने भी रखें। उसके बाद आठवले जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री से भी मिले और उन्होंने ये मांग रखी है कि 2 सीट हमें महाविकास महायुति में हमें दी जाए और अगर 2 सीटों पर बात नहीं बनती है तो कम से कम 1 सीट कलीना की सीट ये बताई जा रही है कि 1 सीट कलीना वाली रामदास आठवले अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं। वही एक बड़ा डेवलपमेंट इसमें इस पूरे मीटिंग के दौरान ये भी देखने को मिला कि तमाम जिन सीटों को लेकर एक फंसा हुआ अखिलेश उन सीटों पर उन सीटों के जो इच्छुक ठीक है इस पर नजर बनाकर रखिएगा। कृष्णा, जो भी जानकारी होगी आगे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे से अखिलेश यादव नाराज हैं। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों बड़े दल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच 85-85 सीटों पर बात फाइनल हो चुकी है। बाकी सीटों पर बात जारी है, लेकिन गठबंधन के बाकी सहयोगियों को कितनी और कौन सी सीट मिलेगी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा। राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी कम से कम 5 सीटों की डिमांड कर रही है। दावा है इस बारे में अब तक महाविकास आघाड़ी के बड़े दलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारी बात हुई थी पवार साहब से, उन्होंने कहा था बुलाएंगे आपको, पूरे दिन कोई फोन नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई और जो सीटें मैं मांग रहा था वो सीटें धीरे धीरे कहीं ना कहीं अनाउंस की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद जो पहले जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 29 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी नामांकन में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव में उतरने का संदेश दे रही है। त्योहारी सीजन है, ऐसे में महानगरों में जो लोग काम करते हैं अपने घरों को लौटना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ नजर आ रही है। मुंबई से खबर यह कि बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ मच गई, 10 लोग घायल हो गए। मुंबई के बांद्रा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोरखपुर जाने वाली ट्रेन पहुंचने से पहले ही भीड़ चढ़ने की कोशिश करती है। दिवाली पर घर जाने के लिए भारी भीड़ एक साथ उमड़ती है। हर कोई ट्रेन में चढ़ना चाहता है, सर पर सामान, कंधे पर बैग लिए लोग किसी तरह ट्रेन में घुस जाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, इस ट्रेन के सभी अनरिजर्व कोच हैं। भीड़ अव्यवस्था के बीच वो होता है जिसका डर था। भगदड़ मच जाती है, 10 लोग घायल हो जाते हैं, 2 की हालत गंभीर है।
जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोगों के चप्पल, लोगों के टूटे हुए बैग आपको दिखाई देंगे। इसे देखकर एक आपको एक अंदाजा मिल रहा होगा कि कल की स्थिति क्या रही होगी। चुनावी माहौल में विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में देर नहीं की। तब से मोदी जी की तीसरी सरकार आई है और ये रेलवे मंत्री महाशय को फिर एक बार जिम्मा सौंपा है, पूरे देश में 25 से ऊपर बड़े रेलवे एक्सीडेंट हो गए। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उसको देख साफ है कि अगर व्यवस्था ठीक होती, रेल प्रशासन भीड़ देख त्वरित एक्शन लेता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। हादसे पर रेलवे का कहना है कि जांच जारी है। मुंबई से अब हम आपको गुजरात लिए चलते हैं। यहाँ सूरत के एक रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। रोजगार की तलाश में हजारों लोग सूरत और इसके आसपास के इलाकों में आते हैं, लेकिन जब त्योहार मनाने घर जाते हैं तो ये नजारा देखने को मिलता है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन का ये नजारा आज सुबह का है, जब दिवाली छठ मनाने लोग देश की अलग अलग जगहों पर जाने के लिए स्टेशन पहुंचे तो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीड़ इतनी कि सुई रखने की भी जगह नहीं बची। लोगों को स्टेशन के बाहर खड़ा किया गया, जिससे रेलवे की व्यवस्थाएं चरमरा गईं। स्टेशन के बाहर आरपीएफ जवानों की फोर्स लगाई गई, बाहर से भी अतिरिक्त जवान बुलाए गए हैं, पार्किंग खाली करवा दी गई है, वहां लोगों को बैठाया गया है। सूरत में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तस्वीरें आप देख सकते हो। गुजरात का उधना रेलवे स्टेशन है और उधना रेलवे स्टेशन पर इस तरह से भारी भीड़ नजर आ रही, तस्वीरें आप देख सकते हो, एक के बगल में एक व्यक्ति यहां पर देखने को मिल रहा है। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, देश भर के लोग यहां काम करने के लिए आते हैं, तो त्योहारी सीजन में यहां रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। क्या इंतजाम किए गए हैं आपको दिखाते हैं। कोई जमीन पर बैठा है तो कोई खड़ा है, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा हर एक चेहरा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। त्योहार के मौके पर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर हिस्से से लेकर प्लेटफॉर्म तक यात्रियों के बैठने की जगह तक नहीं, ऐसे में अलग से पंडाल लगाए गए हैं, लेकिन वो भी नाकाफी है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, व्यवस्था में कोई कमी ना हो, कोई हादसा दुर्घटना ना हो, इसी को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ अलग अलग तरह के इंतजाम जो है दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि राजधानी के नई दिल्ली स्टेशन पर ही भीड़ बढ़ी है, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच व्यवस्था का दायरा सिकुड़ने लगा है। टिकट खरीदने के लिए लगी वेंडिंग मशीनों ने दम तोड़ दिया है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो कैमरास पहले 73 हुआ करते थे उनमें 60 कैमरास और ऐड कर दिए गए हैं, यानी हर उस जगह को कवर किया गया है जहां पर कैमरा की नजर शायद ना पहुंच पाए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई गई है, कंट्रोल रूम के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है, वहीं पुलिस और सिविल वॉलंटियर की संख्या भी बढ़ाई गई है, जबकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डॉग स्क्वाड की तैनाती भी की गई है। और अब बात करेंगे बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की। उनके बेटे ओसामा और उनकी पत्नी भी आरजेडी में शामिल हो गई हैं। पटना में राबड़ी देवी की आवाज 10 सर्कुलर रोड में लालू यादव ने खुद ओसामा शहाब को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने भी आरजेडी की सदस्यता ली। भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है, सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी। आरजेडी में शामिल होने से एक दिन पहले ओसामा ने लालू यादव से मुलाकात की थी। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी बिहार को पीछे ले जाना चाहती है। आने वाले चुनाव में ये गुंडे वाली पार्टी, ये बाहुबलियों की पार्टी, ये बिहार में आतंक वापस लाने वाली पार्टी आरजेडी को करारा जवाब देगी। शहाबुद्दीन के देहांत के बाद बेटे ओसामा शहाब की सियासत में एंट्री को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। वैसे लालू और शहाबुद्दीन के परिवार का पुराना याराना है। शहाबुद्दीन ने अपनी राजनीति की शुरुआत लालू यादव के साथ की थी। आरजेडी के टिकट पर ही विधायक और सांसद बने। शहाबुद्दीन के निधन के बाद लालू और शहाबुद्दीन परिवार की दूरियां बढ़ गईं।
बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ओसामा की राजनीति में एंट्री के बाद चर्चा शुरू है कि क्या लालू ने बड़ा खेल कर दिया है, क्या 2025 में आरजेडी शहाबुद्दीन के बेटे को मैदान में उतारेगी, देखना दिलचस्प होगा। पंजाब में एक इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ है, कैसे इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है देखिए। नशे की ये वही खेप है जिसे अमृतसर के बाबा बकाला कस्बे से बरामद किया गया है। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस टीम को ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क की खबर मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। तस्करों के ठिकाने से 105 किलो हेरोइन, करीब 32 किलो कैफीन, 17 किलो डीएमआर, 5 विदेशी पिस्तौल और 1 देसी पिस्तौल बरामद की है। 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक नशे की खेप को पाकिस्तान से भारत में लाया गया, तस्करी के लिए नदी का इस्तेमाल किया गया। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद पंजाब में नशे का कारोबार किस तरह फैल रहा है, इसे एक रिपोर्ट से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक 3 साल के दौरान पंजाब में एनडीपीए के तहत 29,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 3 साल में करीब 40,000 गिरफ्तारियां हुई। इसके साथ ही करीब 3,000 किलो हेरोइन की खेप बरामद की गई। 3 दिन पहले ही मोगा में थाने के एसएचओ समेत 2 पुलिस वालों पर तस्करों से सांठगांठ के आरोप में केस दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में बढ़ती घुसपैठ की घटनाओं से गृह मंत्री अमित शाह बहुत ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को घेरा है। गृह मंत्री अमित शाह पेट्रा पोल भूमि बंदरगाह पर नए यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो गेट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर जमकर हमला बोला और यहां तक कह दिया कि जब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी बंगाल में शांति नहीं आएगी। शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से हो, शांति को बहुत क्षति पहुंचाती। शाह ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का जिक्र करते हुए भी ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से टीएमसी की सरकार है, लेकिन अब बीजेपी बंगाल में अपनी जड़ें जमाना चाहती है। कानपुर में एकता गुप्ता हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उनके शव को जिलाधिकारी के आवास के बगल के कंपाउंड में दफना दिया गया था। कौन सोच सकता था कि जिला अधिकारी आवास की बाउंड्री की दूसरी तरफ एकता गुप्ता हत्याकांड के राज दफन हैं? कानपुर के एकता गुप्ता मर्डर केस की कहानी कुछ कुछ हिंदी फिल्म दशम से मेल खाती है, क्योंकि हत्या के बाद शव को हाई सिक्योरिटी जोन वाले ऑफिसर्स कंपाउंड में दफना दिया गया, लेकिन पिछले 4 महीने में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दरअसल ये बंगला कानपुर के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का है और इसी के बिल्कुल बगल में बना हुआ ये कैंपस जहां पर उस महिला का शव जमीन में दफन था। सवाल कई उठते हैं कि आखिर महिला का शव इस सरकारी कैंपस तक कैसे पहुंचा? मामला 24 जून 2024 एकता गुप्ता जिम के लिए घर से निकली, जिसकी पुष्टि जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज में हुई है, लेकिन जिम से वापस घर नहीं लौटी। खास बात यह कि इसी दिन जिम ट्रेनर विमल सोनी भी लापता हो गया, जो 4 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस के मुताबिक जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एकता गुप्ता की हत्या कर ऑफिसर्स कंपाउंड में दफना दिया। जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी। पुलिस ने भी आरोपी विमल सोनी को जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि शव ऑफिसर्स कंपाउंड में दफन किया गया, लेकिन किसी को भनक कैसे नहीं लगी। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई, इससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, पुलिस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर जमकर अब राजनीति भी हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के एक एक फ्रेम पर गौर कीजिए। लॉकअप रूम में 8 युवक नजर आ रहे हैं, इनमें से एक युवक बाकियों से अलग फर्श पर लेटा है। थोड़ी देर बाद ही लॉकअप में ग्रे कलर की शर्ट पहने युवक फर्श पर लेटे युवक की पीठ दबाने लगता है।
वही सफेद शर्ट पहने युवक लॉकअप से किसी को आवाज देता है। शायद वो पुलिसकर्मियों को बुला रहा था, क्योंकि जैसे ही वो आवाज देता है एक महिला पुलिसकर्मी बाहर से लॉकअप में झांकती है और फिर चली जाती है। तस्वीरें लखनऊ के चिन्हट थाने के लॉकअप रूम की हैं। फर्श पर तड़प रहे युवक का नाम मोहित पांडे है। आरोप है पुलिस की पिटाई से उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर जान चली गई। मुझे भी हाथापाई हुई और फिर मुझे मतलब पुलिस ने आपको फिर मुझे बंद कर लिया। तो मेरा भाई कहने लगा मेरी तबीयत सही नहीं है तो मुझे लॉकअप में ना रखो, बाहर ही रहने दो। मृतक मोहित पांडे देवा रोड पर दुकान चलाता था, जहां उसका आदेश नाम के युवक से विवाद हो गया और इसी मामले में पुलिस मोहित पांडे को पकड़ कर लाई थी। इधर मोहित पांडे की मौत से परिवार में मातम पसरा है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर थाना प्रभारी समेत चार के खिलाफ केस दर्ज किया है। ईरान का ट्रिपल बी फॉर्मूला मिडिल ईस्ट में जंग का सायरन बजा सकता है, क्योंकि बदले की आग में जल रहे ईरान ने बड़े हमले की चेतावनी दी है जो मौत की बाढ़ और तबाही का बारिश ला सकती है। साथ ही ईरान ने अपनी उस मिसाइल की ताकत को भी लोगों को दिखाया जो महज 30 सेकंड में दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। अब सवाल यह कि अगर ईरान ने हमला किया तो क्या इसराइल इसे डिफेंड कर पाएगा? बेरूत में मौत बनकर बरसते बम और तेहरान की हवाओं में ये बारूदी गंध, क्या सिर्फ ट्रेलर है? क्योंकि बदले की आग में चल रहे ईरान ने हमले की ऐसी धमकी दी है जो मिडिल ईस्ट में मौत की बाढ़ और भयंकर तबाही ला सकती है। ईरान की इस धमकी ने पश्चिम एशिया में दहशत का मीटर हाई कर दिया है, क्योंकि ईरान के सिर पर बदला सवार है जो कि ईरान इजराइल से हर हाल में लेना चाहता है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ईरान कुछ ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है जो बड़ी प्रलय ला सकता है? क्या ईरान जैविक हथियार के इस्तेमाल की तैयारी में है? क्योंकि अगर है तो उसका ये कदम पूरी दुनिया को जला सकता है और तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा सकता है। केमिकल वेपन्स जो हैं, एटॉमिक वेपन्स, बैक्टीरियोलॉजिकल केमिकल वेपन्स जो हैं, दे आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन्स ऑफ डिटरेंस। और इसराइल के ऊपर इस माफी का वेपन का इस्तेमाल किसी प्रकार से नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसराइल की पॉपुलेशन छोटी है, तकरीबन 9 मिलियन। अगर इस माफी का हथियार इस्तेमाल करते हैं तो ईरान साफ तौर पर जानता है कि इसराइल जो है वो न्यूक्लियर पावर है, उसके 70 से 80 एटॉमिक वेपन्स हैं, तो वो एक किस्म से इन्वाइट करेगा डिस्ट्रक्शन। ऐसे में किसी भी हालत में वो केमिकल वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। ईरान का अगला कदम क्या होगा, वो कैसे मौत की बाढ़ लाएगा और कैसे तबाही मचाएगा, ये समझने से पहले उसके मिलिट्री की दी धमकी को समझना होगा जिसमें उसने धमकी भरा संदेश दिया है। ईरान की मिलिट्री ने कहा है कि शत्रु गड़गड़ाहट की तरह गर्जना करते थे और बिजली की तरह चमकते और उछलते थे, लेकिन अपने इन सभी दिखावे के बावजूद वो युद्ध में कमजोर और भयभीत साबित हुए। हालांकि हम तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक हम कार्रवाई नहीं करते, और जब तक हम बाढ़ नहीं लाते तब तक हम बारिश नहीं करते। अपने इस ट्वीट में ईरान की मिलिट्री ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल फतह का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मौत बनकर बरसती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि फतह मिसाइल की स्पीड 17,900 किलोमीटर प्रति घंटे है, जिसे ईरान से लॉन्च किया जाए तो ये तेल अबीब तक मात्र 400 सेकंड में पहुंच जाएगी, यानी करीब 6.5 मिनट में। इसराइल इसे ट्रैक तो कर सकता है लेकिन गिरा नहीं सकता। फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि महज चंद सेकंड में अपने दुश्मन का खेल खत्म कर सकती है। ईरान की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि यह मिसाइल इजराइल के आयरन डोम को पंक्चर कर सकती है, जिसे ईरान ने पिछले साल ही तैयार किया है। बदले की आग सिर्फ ईरान की मिलिट्री के दिल में नहीं है,
ईरान के नागरिकों में भी इसराइल को लेकर गुस्सा उबाल मार रहा है। एज ऑफ नाउ ईरान के पास शायद न्यूक्लियर वेपन नहीं है। वो कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन के काफ़ी नज़दीक है, 15 से 30 दिन के अंदर न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले ईरान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो पाकिस्तान में गए हुए थे, और एक अमेरिका से रिपोर्ट आई थी कि उनकी ज़बरदस्त कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान से वो किसी ना किसी तरीके से या तो कोई वेपन ले लें या वेपन खरीद लें। पाकिस्तान इस समय कंगाली की हालत में है, और कंगाली की हालत में कंगाली से निकलने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान ने उसको न्यूक्लियर वेपन बेच दिया हो। लेकिन ईरान गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो इसराइल तो बहुत छोटा सा देश है, कम्प्लीटली तबाह हो जाएगा। बट इन रिटर्न ईरान जो है विल बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू अ डस्ट बाउल। ईरान अगर इसराइल को हमले की चेतावनी दे रहा है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उसके पास मौजूद अत्याधुनिक हथियार, जिसमें फतह टॉप लिस्ट पर है। लेकिन क्या ये मौत की बाढ़ और तबाही की बारिश ला सकती है, या फिर ईरान अपना बदला पूरा करने के लिए किसी केमिकल हथियार का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, और क्या इसराइल इसे डिफेंड कर पाएगा? ABC टाइप्स ऑफ वेपन्स जो हैं दे आर प्रोहिबिटेड वेपन्स, दे आर बैंड वेपन्स इंटरनेशनली। लेकिन साफ तौर पे कहावत है कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन इसके बावजूद ईरान साफ तौर पे जानता है कि उससे ज़्यादा काबिलियत जो है अमेरिका के पास में है और ब्रिटेन के पास है, जो हर प्रकार से पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, और इसराइल के पास भी शायद इस काफ़ी का हथियार हों। ऐसे में एक देश जो जानता है कि दुश्मन के पास भी इस माफी के हथियार हैं और दुश्मन उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है, मुझे नहीं लगता है इसका इस्तेमाल किसी प्रकार से करेगा। ईरान एक तरफ इसराइल पर पलटवार की चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ इसराइल हमले को पूरी तरह फेल बता रहा है, क्योंकि ईरान की मिलिट्री ने एक और ट्वीट किया है जिसमें ईरान के फाइटर प्लेन को आसमान में तबाही मचाते दिखाया है। ईरान के पास करीब 3,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हालांकि ये आंकड़ा 2.5 साल पहले का है। ऐसे में संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि ईरान की धमकी ने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका ईरान को लगातार चुप बैठने की नसीहत दे रहा है, लेकिन ईरान चुप बैठने के मूड में नहीं है। जैसे कल इसराइल की स्ट्राइक हुई, उसके बाद जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन जो हैं, बड़े पैमाने पर ईरान को नसीहत दे रहे हैं कि आप जो भी कार्रवाई मत कीजिए। उन्होंने उससे पहले इसी माफ़ी की नसीहत इसराइल को भी दी थी कि आप किसी प्रकार से जो भी कार्रवाई मत कीजिए, और अगर करिए तो इसको केवल सिम्बॉलिक अटैक हो। लेकिन जो इसराइल ने किया वास्तव में वो सिम्बॉलिक अटैक नहीं था। 3 वेव्स में 100 हवाई जहाज इस्तेमाल किए, 85-90% या उससे भी ज़्यादा इसराइली मिसाइल जो हैं वो मार गिरी गई, और ईरान ने साफ तौर पर कहा कि उतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ जिस माफिक ईरान इसराइल की कोशिश थी, और उसके केवल 4 सैनिक मारे गए हैं। वास्तव में असलियत क्या है वो तो समय बताएगा, जब इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट जो हैं रिपोर्टर्स इसके बारे में जिक्र करेंगे। इस समय फॉग ऑफ वॉर में जो इसराइल कह रहा है वो उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो ईरान कह रहा है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ईरान पर इसराइल के हमले के बाद अमेरिका की तरफ से 2 बड़े बयान सामने आए हैं, और दोनों ही बयानों में अमेरिका ने ईरान को चुप रहने का संदेश दिया है। पहला बयान अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का था, जिन्होंने कहा कि ईरान को इसराइल के हमलों का जवाब देने की गलती नहीं करने की सलाह दी थी। दूसरा बयान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का था, जिन्होंने ईरान पर हमले से महीनों से चल रहे तनाव के अंत की बात कही। लेकिन ईरान के इरादे बता रहे हैं कि उसकी बदले की आग इस बार पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है और दुनिया में महायुद्ध का सायरन बजा सकती है। अब आपको दिखाते हैं कि दिवाली से पहले मिलावट का खेल कैसे धड़ल्ले से चल रहा है। नकली घी के बाद अब नकली तेल रडार पर है। तस्वीरों में नजर आ रहे इन ड्रम्स में नकली सरसों का तेल भरा है, जिसे फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी के बाद बरामद किया।
मामला पीलीभीत का है। जिले के अमरिया इलाके में सरसों के तेल में पाम ऑयल की मिलावट की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मार कर तेल कारखाने को सील कर दिया। वहीं जांच के लिए सैंपल लखनऊ भेजा गया है। कुल इसमें दो सैंपल लिए गए और इसके अलावा एक मांगो ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल भी सैंपल किया गया है। एसडीएम के आदेश पर तेल कारखाने के मालिक हरिशंकर राठौर पर केस दर्ज किया गया है। वहीं कारखाने से बरामद 6 क्विंटल नकली तेल को नष्ट कर दिया गया है। फूड सेफ्टी विभाग के एक्शन से पीलीभीत में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में कुछ दिनों पहले रोहिणी इलाके में ब्लास्ट हुआ था। अब दिल्ली के पालिका में चाइनीज जैमर मिला, जिससे करीब 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन जाम किया जा सकता है। तस्वीरों में एक नहीं दो दो जैमर दिखाई दे रहे हैं। ये जैमर किसी भी मोबाइल के सिग्नल को ठप कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही रविवार को दिल्ली के दिल कहे जाने वाले क्राउन प्लेस के पालिका बाजार में हुआ, जब एक दुकान से ये दो चाइनीज जैमर बरामद हुए। पुलिस ने दुकान मालिक रवि माथुर को गिरफ्तार कर लिया है। एनी वेरिफिकेशन के दौरान हमें एक शॉप पे एक सस्पिशियस आर्टिकल दिखाई दिया, जिसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल सिग्नल जैमर की तरह एक्ट करता है। रवि ने बताया कि ये जैमर लाजपत राय मार्केट से 25,000 रुपए में लाया था और इसे ऊंचे दाम में बेचना चाह रहा था। इस तरह के जैमर बेचने के लिए लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं। दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं था। इसके वेरिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जा रहा है, और जो कंसर्न्ड जहां से वेरिफिकेशन हो सकता है इनको फॉलो करके हम इनका वेरिफिकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। इस तरह के जैमर को बेचने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरिएट ने गाइडलाइंस बनाई हुई है, जिसके मुताबिक कोई इंडिविजुअल शख्स इस जैमर को नहीं बेच सकता है। बता दें कि बरामद हुए चाइनीज जैमर की क्षमता 50 मीटर है, जो आसपास के मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। दिल्ली पुलिस को जैसे ही ये जैमर मिले, उसने तुरंत ही इसकी जानकारी टेली कम्युनिकेशन विभाग को दी है, और दिल्ली के बाकी बाजारों में भी जांच की जा रही है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट हुआ था। खबर अब दिल्ली में, जहां लाख जतन करने के बाद हवा साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में अब सरकार आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश करवाने पर विचार कर रही है। मुख्य तौर पर सरकारों को भी और सभी लोगों को भी इसमें सक्रियता के साथ इसमें प्रयास करने की जरूरत है। राजधानी की हवा जहरीली होती जा रही है, खुली हवा में भी दम घुटने लगा है। उधर दिल्ली सरकार के लाख इंतजाम करने के बाद भी AQI हर दिन नया हाई बना रहा है। दिल्ली के आधा दर्जन से ज्यादा इलाकों का AQI 400 के पास चला गया है, और दिल्ली सरकार ने ये कहते हुए लोगों की धड़कन बढ़ा दी है कि अगले 15 दिन और चैलेंजिंग होंगे। तीन फैक्टर एक साथ जुड़ रहे हैं, तो गाड़ियों का पोल्यूशन, पटाखों का पोल्यूशन और पराली का पोल्यूशन, इससे मल्टीप्लाई होने की संभावना जो है वो वैज्ञानिक व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली की हवा स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, इस पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इस बीच अच्छी बात यह है कि पराली जलाने के मामले पहले से कम हुए हैं, क्योंकि 2022 में पराली जलाने के 5,000 से अधिक मामले आए थे। अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस साल अभी तक 1500 मामले ही पराली जलाने के सामने आए हैं, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की हवा खराब है। वहीं दिल्ली वालों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराने पर भी विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP मोहन शुक्ला के बेटे तुषार ने आत्महत्या कर ली। बताया ये जा रहा है कि वो 2 साल से डिप्रेशन में थे। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP रहे मोहन शुक्ला के बेटे तुषार शुक्ला की है, जिन्होंने अपने घर में ब्लेड से अपना गला काटा और अपनी जान ले ली। तुषार 54 साल के थे और लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहे थे, और जब जिंदगी में निराशा चरम पर पहुंची और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तुषार की पत्नी और बेटे उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन तब तक बहुत खून बह चुका था और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि तुषार शुक्ला पिछले 2 साल से गंभीर अवसाद से जूझ रहे थे, उनका उपचार चल रहा था। इस दौरान वो ना तो ज्यादा बाहर आते जाते थे और ना ही बाहरी लोगों से मिलते जुलते थे। तुषार ने खुद को घर तक ही सीमित कर दिया था, यहाँ तक कि वो परिवार के बीच भी खुद को अकेला महसूस करते थे। ABP News आपको रखे आगे।